जिला सिरमौर के उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाली राजकीय उच्च पाठशाला बांदल में छात्रों के अभिभावकों अथवा ग्रामीणों ने एक क्लासरूम बनाने के लिए शनिवार से श्रमदान शुरू कर दिया। मंगलवार हुई SMC की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक गांव के हर घर से 500 रुपए डोनेशन अथवा चंदा राशि भी एकत्रित की गई। स्कूल के मुख्याध्यापक देशराज शर्मा ने बताया कि स्कूल के पास मौजूद 25,000 के फंड को भी इसमें खर्च किया जाएगा। उन्होंने श्रमदान व चंदे के लिए ग्रामीणों का धन्यवाद किया। दरअसल 2017 में खुले इस स्कूल में केवल 4 कमरे हैं और इनमें से एक स्टाफ रूम है, जबकि 3 कमरों में 5 कक्षाएं चल रही हैं, जिससे ठीक ढंग से छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। SMC अध्यक्ष विनोद कुमार व दिनेश, अजय, तपेंद्र तथा सीमा आदि ने बताया कि वह कई बार शिक्षा विभाग और सरकार से स्कूल भवन के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग कर चुके हैं, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वे एक बार फिर से सरकार व शिक्षा विभाग से बांदल स्कूल के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग करेंगे। आप सभी SMC साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं देशराज शर्मा, एसोसिएशन जिला सिरमौर, पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्याध्यापक राजकीय उच्च पाठशाला बांदल, आप सभी SMC के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज इस विद्यालय में श्रमदान का आयोजन किया और एक कमरा जिसका आपने वादा किया, इस वादे को आपने पूरा किया। इसका लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ विद्यालय की ओर से। आपने आज जो एक सामाजिक व्यवस्था का परिचय दिया या सामाजिक सेवा का जो परिचय दिया, उससे मैं बहुत खुश हूँ और साथ में कामना करता हूँ कि समाज में इसी तरह के लोग समाज में आगे आए और सामाजिक सेवा में अपना योगदान दें। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए संगड़ा से जयप्रकाश। सोलन में हिमाचल का इनक्राफ्ट शोरूम, जहां पर आपको एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीकों से निर्मित घर, ऑफिस के दरवाजे, खिड़कियां व अन्य सामग्री उचित दामों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9871198737 और 9996807011।